होलाष्टक। होली के 8 दिन पहले होलाष्टक लग जाते हैं। इन 8 दिनों में ग्रहों की स्थिति बदलती है। इस दौरान किसी भी तरह का शुभ कार्य करना वर्जित माना जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार अगर कोई व्यक्ति होलाष्टक के दौरान कोई भी मांगलिक कार्य करता है तो उसे कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इतना ही नहीं, व्यक्ति के जीवन में कलह, बीमारी और अकाल मृत्यु का साया भी मंडराने लगता है, ऐसी मान्यता है। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि आखिर क्यों माना जाता है होलाष्टक के समय को अशुभ। माना जाता है कि होली से ठीक पहले हमारे वातावरण में नकारात्मक ऊर्जाएं बढ़ जाती हैं। होली से पहले के ये 8 दिन बेहद अशुभ माने जाते हैं। ज्योतिष के अनुसार होलाष्टक फाल्गुन की अष्टमी तिथि से पूर्णिमा तिथि की अवधि तक रहता है। इस दौरान 8 ग्रह अपने उग्र भाव में रहते हैं, इसीलिए इस दौरान कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता, क्योंकि इन कार्यों पर उग्र ग्रहों का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर कब से शुरू हो रहा है होलाष्टक। इस साल होलाष्टक की शुरुआत 17 मार्च से होगी और फाल्गुन पूर्णिमा यानी कि 24 मार्च पर ये समाप्त होगी। इस दिन होली का दहन होगा और इसके अगले दिन यानी कि 25 मार्च को रंग वाली होली खेली जाएगी। होलाष्टक के दौरान आपको कुछ काम नहीं करने हैं, तो आपको हम इन कामों के बारे में बताते हैं। सबसे पहला, इस दौरान शादी, विवाह, भूमि पूजन, गृह प्रवेश या कोई नया बिजनेस खोलना वर्जित माना जाता है। दूसरा, शास्त्रों के अनुसार होलाष्टक शुरू होने के साथ 16 संस्कार जैसे नामकरण संस्कार, जनेऊ संस्कार, गृह प्रवेश, विवाह संस्कार जैसे शुभ कार्यों पर भी रोक लग जाती है। तीसरा, किसी भी प्रकार का हवन या यज्ञ कर्म भी इन दिनों में नहीं किया जाता है। चौथा, इस सब के अलावा नव विवाहिताओं को इन दिनों मायके में रहने की सलाह दी जाती है।